डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। डॉक्टर साहब से आज जानना चाहेंगे कि मानसून का मौसम भी आ चुका है, तो मानसून के वक्त जल जमाव की समस्या एक आम समस्या है। जल जमाव की वजह से मच्छरों का पैदावार ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनसे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं इनके बारे में लेंगे, इनसे कैसे आप बच सकते हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही इनके क्या लक्षण हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताएं, मॉनसून का वक्त चल रहा है, जैसा मैंने आपको कहा कि जल जमाव की समस्या, जगह जगह गड्ढे हैं, उनमें जल का भराव है और जल मतलब मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि इनसे आप कैसे बचें, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती है पहले ये भी बताएं, और उनके क्या क्या लक्षण हैं इन बारे में दर्शकों को पूरी जानकारी दें। देखिए, अभी का जो टाइम है, अभी ये जल जमाव जो होता है और जल जमाव होने के बाद जो फिर धूप होता है, तो ये सब फेवर करता है मॉस्किटो के ग्रोथ के लिए, और इससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब सब का इंसिडेंस इस सीज़न में बढ़ जाता है। इन बीमारियों का प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, नहीं तो ये कई बार जानलेवा भी हो जाती हैं। तो इसलिए पहले तो आपको ये है कि सिम्टम को पहचानना है कि क्या हो रहा है और कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि अपने घर में भी पानी जमा ना होने दें, जैसे कूलर है तो कूलर का पानी है तो उसमें रेगुलर चेंज करना चाहिए, कुछ उसमें इंसेक्टिसाइड और क्यूरोसिन ऑयल ये सब का स्प्रे भी करना है, जैसे गमला लगाते हैं लोग घर पे तो उसमें भी पानी जमा ना हो, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि घर पे पानी जमा ना हो, और यदि है भी तो उसको हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। एक तो ये चीज़ होगी। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग डेंगू पे आते हैं, तो डेंगू का इंसिडेंस बारिश के तुरंत बाद ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका मेन कारण यही है कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी में ग्रो करता है, और उसके चलते ही इसका इंसिडेंस बढ़ता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि घर पे पानी जमा ना होने दें। ये जनरली स्टार्ट होता है, फीवर से स्टार्ट होता है, उसके पहले बॉडी एक मैलजिया ये सब सिम्टम हो सकता है। इनिशियल स्टेज में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी है कि यदि आपको बुखार आता है तो आपको खास कर ध्यान रखना है कि बुखार के लिए पैरासीटामोल ही लें। कई लोग क्या होता है कि बुखार के लिए कोई दर्द का दवाई लेते हैं, वो बहुत डेंजरस होता है इस सीज़न में, खासकर कि यदि डेंगू हुआ तो दर्द का दवाई एक टैबलेट लेना भी डेंजरस होता है। तो सबसे सेफ़ है कि आप पैरासीटामोल लें, यदि लगे कि आपका फीवर परसिस्ट कर रहा है, साथ में बॉडी एक, हेडेक, ये सब डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये सब सिम्टम हो रहा है, तो उस कंडीशन में है कि आप डॉक्टर से सलाह लें और अपना जांच करा के ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। यदि डेंगू है भी और डेंगू डिटेक्ट भी होता है तो उसमें पैनिक होने का ज़रूरत नहीं होता है। उसमें इम्पॉर्टेंट है कि प्लेटलेट का काउंट हम लोग ध्यान रखते हैं कि प्लेटलेट मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। जनरली डेंगू का पैटर्न होता है कि 4 से 5 दिन में फीवर ख़त्म हो जाता है। जब फीवर ख़त्म होता है तब ज़्यादा डेंजरस पीरियड स्टार्ट होता है, तो इसमें ये चीज़ टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। 6ठा दिन सबसे ख़राब होता है डेंगू में, और 7वें दिन से रिकवरी शुरू हो जाता है, 10 दिन में डेंगू पूरी तरह ठीक हो जाता है, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं करता है तो। इसमें आपको करना यही है कि डेली प्लेटलेट मॉनिटर करते रहिए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पीना है, फ्लूड ज़्यादा लेना है, ORS, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, जूस, ये सब चीज़ लेना है, प्लेटलेट डेली मॉनिटर करते रहना है। जहाँ भी यदि लगता है कि प्लेटलेट 50,000 से कम हो रहा है, या रैसेस डेवलप कर रहा है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रहा है, तो उसी टाइम आपको हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत होता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज जनरली हम लोग 20,000 से कम होता है तभी करते हैं, 20,000 से ऊपर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का कोई इंडिकेशन नहीं है, अनटिल अनलेस की कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा हो, और हॉस्पिटलाइजेशन भी 50,000 से ऊपर यदि प्लेटलेट है तो करने की ज़रूरत नहीं है, यदि पेशेंट सिम्टोमेटिकली ठीक है, लेकिन मॉनिटरिंग का ज़रूरत है, अंडर डॉक्टर, किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके कोई भी मेडिसिन ना खा लें, वो नुकसानदेह होता है। प्लेटलेट जनरली 6ठा दिन तक कम होता है और 7वें दिन से अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, तो एक बार बढ़ने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो फिर है कि आप खतरे से बाहर हो गए। कुछ कुछ पेशेंट में सीवियर होने का चांस रहता है कि जिनको पहले डेंगू हो चुका है, दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनमें कई बार डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम डेवलप करने का चांसेस रहता है। उसमें है कि उसमें एग्रेसिव और
आईसीयू ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है, तो उसमें है कि उसमें रिस्क न लें। यदि लगे कि आपको रैसेज आ रहा है या कहीं से ब्लीडिंग का एविडेंस है, जॉन्डिस डेवलप कर रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में है कि तुरंत आप हॉस्पिटलाइज होकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ये भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है कि डेंगू को हम डील कर रहे हैं कि मलेरिया को डील कर रहे हैं, तो सबके हिसाब से ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है। तो उसमें बेटर है कि यदि सिम्टम लगे कि आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो उसमें कंसल्ट करके, डॉक्टर्स कंसल्ट करके अपना सही जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो कराएं। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए, मानसून जितनी चीज़ें आपने बताए, मानसून में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो मच्छरों की वजह से होती है, तो अभी मार्केट में मच्छरों से बचने के लिए मॉस्क्यूटो कॉइल, मॉस्क्यूटो स्टिक, मॉस्क्यूटो नेट, बॉडी में लगाने वाले बहुत सारे लोशन, तो क्या सबसे उचित, क्या चीज़ सबसे उचित है? चूँकि जितने भी कॉइल्स हैं कहते हैं सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या सबसे उचित रहेगा जिससे मच्छरों से हम बच सकें? देखिए, इस टाइम है कि बच्चे और एडल्ट ओल्ड एज वाले ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो पहला चीज़ तो हमें स्टार्ट करना है कि बच्चों का शरीर जो है वो पूरा कवर्ड रहे, ऐसा कपड़ा पहने जिससे कि मैक्सिमम पार्ट आपका कवर्ड हो। बच्चों को हम लोग जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम होता है, जो एक्सपोज पार्ट है, उस पर हम लोग यूज कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये आ गया। दूसरा चीज़ ये है कि डेंगू का मच्छर जनरली जो होता है अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग में काटता है, तो ये दिन में होता है। तो जो हम लोग का जो ये कंसेप्ट है कि हम लोग रात में मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल है और ये सब यूज़ करेंगे, वो गलत है। इसमें हमें यूज़ करना है तो हमें पूरे टाइम यूज़ करना है, और डे टाइम में भी उसको यूज़ करें, डे टाइम में भी यूज़ करें। यदि बाहर बच्चा खेलने जाता है तो उसका स्पेशली ध्यान रखना है कि कवर्ड रहे, और जितना कवर्ड रहे वो अच्छा है। सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका होता है मॉस्किटो नेट, यदि हम उसको यूज़ करते हैं तो उसी से हम लोग सेफ हो जाते हैं। जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है या सांस की बीमारियां हैं, वो जो है ये सब जलने वाला जो चीज़ होता है उसको अवॉइड करें। सिंपल आजकल तो बहुत तरह के मॉस्किटो का वो अवेलेबल है, तो उन सब चीज़ों को यूज़ करें। रेगुलर इंसेक्टिसाइड स्प्रे ये सब ज़रूर करें, जहाँ पे भी कि पानी जमा हो और पानी जमा होने का टेंडेंसी हो उसका ध्यान।